नमामि मेसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। नमः पार्वती पतये हर हर। काशी विश्वनाथ धाम के आज के इस भव्य लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित दुनिया के सबसे लोकप्रिय जननेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के कोने कोने से आज के इस समारोह में अपना सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहां पर उपस्थित पूज्य संतजन, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रदेश सरकार में मेरे दोनों वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, विद्वज्जन और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज बाबा विश्वनाथ की अपार कृपा हम सब पर बरस रही है। मां गंगा प्रफुल्लित है और काशी के कोतवाल बाबा भैरवनाथ भी आह्लादित हैं। पूज्य संतों का आशीर्वाद, प्रधानमंत्री जी की अहेतुक अनुकंपा, उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन इस भव्य काशी विश्वनाथ धाम के रूप में न केवल काशीवासियों के लिए बल्कि हजारों वर्षों की प्रतीक्षा। जब मां गंगा इस धराधाम पर आई थी तो कहते हैं या तो हिमालय में भगवान शिव की जटाओं में उलझ गई थी या काशी में मणिकर्णिका में उलझ गई थी, और इस उलझन को दूर किया है भारत माता के इस महान सपूत ने, जिन्हें आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारतवासियों को गौरव प्राप्त हुआ है। और काशीवासियों का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि के रूप में काशी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सांसद के रूप में देश की संसद में भेजती है, और इसलिए पूरी काशी, पूरा भारतवासी, देश और दुनिया में हर वह भारतवासी जो भारत और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता का अनुगामी है, आज प्रफुल्लित है, आह्लादित है प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति बार बार उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए पूज्य संत आह्लादित हैं उन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि हजारों वर्षों की तपस्या आज सार्थक होती हुई दिखाई दी। हम सब जानते हैं काशी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है, लेकिन 1000 वर्षों से जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना काशी ने किया, उन विपरीत परिस्थितियों का साक्षी न केवल काशीवासी बल्कि हर भारतवासी रहा है। यद्यपि 1777 से 80 के बीच में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने इस क्षेत्र यहां पर बाबा विश्वनाथ की पुनर्स्थापना में उस समय महत योगदान दिया था। महाराजा रणजीत सिंह जी ने मंदिर को स्वर्णमंडित करने में अपना योगदान दिया। ग्वालियर की महारानी ने भी उस कालखंड में अपना योगदान दिया, लेकिन ये भव्य स्वरूप इस रूप में परिकल्पित होगा या साकार होता हुआ दिखाई देगा आज पूज्य संतजन
अपनी आंखों से इन सब चीजों को देख रहे हैं, साक्षात अनुभूति कर रहे हैं, पूरे काशीवासी देश का विद्वत समाज इन सब बातों को अनुभूति कर रहा है। और सचमुच इसके लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे दूरदर्शी और यशस्वी नेतृत्व के सानिध्य में कार्य करने, उनके सानिध्य में आगे बढ़ने और भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को आगे बढ़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं, काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम, अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की कार्रवाई उसी श्रृंखला को एक नया स्वरूप प्रदान करता है। योग की परंपरा हो या कुंभ को दुनिया के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देने का कार्यक्रम, भारतीय संस्कृति के प्रति भारत की सनातन मूल्यों, सभ्यता और संस्कृति को वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी अभियान का हिस्सा है। आज मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और यह हम सबका सौभाग्य है, बाबा विश्वनाथ धाम आज एक नए रूप में, एक नए कलेवर के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उस पीड़ा को दूर करने का भी एक माध्यम बना है, जो आज से 100 वर्ष पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी काशी में आकर के अपनी पीड़ा को व्यक्त किया था। यहां की गलियों, तंग गलियों को देख करके, यहां की गंदगी को देख करके, गांधी जी के नाम पर बहुत सारे लोगों ने सत्ता प्राप्त की होगी, लेकिन गांधी जी के उस सपने को साकार करने का कार्य के काशी बाबा विश्वनाथ का धाम इस भव्य रूप में हो, वह पहली बार हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। और स्वाभाविक रूप से यह काशी का विश्वनाथ धाम हम सबके लिए हमेशा इस बात को लेकर के कि वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम के इस भाव के साथ हम सब बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम के प्रति निरंतर उस भक्ति भावना के साथ भजते रहे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, पूज्य संतों का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सभी यहां पर समागत अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हर हर प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।